थर्ड गियर में 87, 89, 90 के आसपास चल रही है। ये देखिए हमने 90 यहाँ पास 90 में होल्ड हो गया, 90 में होल्ड हो गया, 91 मतलब टच कर गई है, थर्ड गियर में 90 तक गई है, आप लोग बाहर भी देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, मैं आपका दोस्त हर्ष पांडे। आज हम किया क्या प्रेस्टीज में टॉप स्पीड चेक करने वाले हैं अपनी फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर एंड फोर्थ गियर, जैसे जो अपने गियर होते हैं, तो इसमें जो हमारी गाड़ी की फर्स्ट गियर में कितनी टॉप स्पीड है, सेकंड गियर में हमारी गाड़ी कितनी टॉप स्पीड में जाती है, कंप्लीट इसका एक्सीलेटर पूरा दबा के रखेंगे, जिससे कि हमको पता चल सके कि फर्स्ट गियर, सेकंड गियर और थर्ड गियर प्लस फोर्थ गियर में इस गाड़ी की टॉप स्पीड कितनी जाती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अंदर आ जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा इंजन चालू है, 0.6 आरपीएम की स्पीड में चल रहा। अब यहाँ पर हम इसको सबसे पहले फर्स्ट गियर में डाल देते हैं। ये हमने यहाँ पर क्लच दबा दिया, अब इसको हम यहाँ पर फर्स्ट गियर में लेंगे, ये हमारे पहले गियर में चला गया। अब धीरे धीरे करके हम अपनी गाड़ी को छोड़ेंगे, ये क्लच धीरे धीरे हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए हमारी गाड़ी चलना स्टार्ट हो गई है। हम यहाँ पर स्पीड भी दिखाएंगे। अभी हम एक्सीलेटर नहीं ले रहे हैं, एक्सीलेटर न लेने से हमको ये पता चलेगा कि मतलब जब हम अपने गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालते हैं तो फर्स्ट गियर में बिना एक्सीलेटर लिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक्सीलेटर नहीं लिया। ये देखिए आप यहाँ पर फोकस करिएगा और हमारी गाड़ी यहाँ पर चल रही, तो बिना एक्सीलेटर लिए ये गाड़ी की जो स्पीड रहती है 5 से 6 के आसपास रहती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम जैसे फर्स्ट गियर में तो डली है, फर्स्ट गियर में डली है, अब इसके बाद हम इसको एक्सीलेटर देंगे, जिससे कि हमको पता चलेगा कि फर्स्ट गियर में हमारी गाड़ी कितनी मतलब किया कैंस प्रेस्टीज टॉप स्पीड जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर हम एक्सीलेटर ले रहे हैं, ये देखिए ये हमने एक्सीलेटर ले लिया, ये हमारी गाड़ी की स्पीड बढ़ना चालू हो गई है। और जब ये स्पीड रुक जाएगी उसके बाद हम सेकंड गियर डालेंगे, जिससे कि हमको समझ में आएगा कि गाड़ी सेकंड गियर मतलब कितनी स्पीड रुकने के बाद लेती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सेकंड गियर लिखा आया है, यहाँ पर 16 की स्पीड से गाड़ी चल रही है। और आप ये देखिए यहाँ पर हम लोग रोड में चला रहे हैं, रोडी में चला रहे, मजाक था। हाँ ये देखिए हमने यहाँ पर एक्सीलेटर ये देखिए फुल दबा के रखे हैं, गाड़ी की जो स्पीड है ये अभी 20-23 अब बढ़ने लगी जब हमने फुल ले लिया। अब आप लोग इंजन की भी आवाज़ सुनिएगा हल्का बाहर, ये आप लोग इंजन की आवाज़ सुन सकते हैं। फुल एक्सीलेटर लेने में गाड़ी मतलब 37-38-40 तक स्पीड पकड़ रही, लेकिन इंजन काफ़ी तेज आवाज़ कर रहा। अब हम इसका गियर चेंज करते हैं, अभी हम और लेते हैं, ये देखिए तो ये मतलब फुल एक्सीलेटर लेने में ये 44 की स्पीड पकड़ती है। अब हम इसको सेकंड गियर में डाल ली, हमने यहाँ पर लिया ये खींच दिया सेकंड गियर। फर्स्ट गियर में हमारी गाड़ी कितनी चली थी, 44 चली थी फुल एक्सीलेटर लेने पे। अब हम यहाँ पर सेकंड गियर में ले रहे हैं, सेकंड गियर में देखते हैं हमारी गाड़ी कितनी स्पीड में चलती है। ये देखिए आप यहाँ पर फोकस देखे रहिए, पांचवा गियर उसमें शो करने लगा है। अभी हमने एक्सीलेटर दबा के लिया है हल्का, ये बाहर से आप इंजन की भी आवाज़ सुन सकते हैं कि इंजन में कितना ज़्यादा पावर लग रहा है। ये आप लोगों ने इंजन की भी आवाज़ सुनी है, ये गाड़ी की स्पीड जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 60 शो कर रहा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक्सीलेटर दबाए हुए हैं, ये देखिए आप यहाँ पर अब गाड़ी की स्पीड 64 हो गई है, हल्का पुल के नीचे उतर आए, उसके बाद भी हम स्पीड बढ़ाते रहेंगे। अभी गाड़ी के छठवा गियर शो करने लगा, इंजन काफ़ी तेज आवाज़ कर रहा है। अब हम इसको थर्ड गियर में डालते हैं, रुके थोड़ा और स्पीड बढ़ाते हैं, पता चले कितनी चलती है। अब इसको थर्ड गियर में डाल देते हैं, ये एक्सीलेटर हमारा ये हमने थर्ड गियर में डाल दिया। अब इसको हम फिर से फुल स्पीड में दबाते हैं और आप यहाँ पर देखे रहिएगा कि गाड़ी हमारी कितनी मतलब ये इसका जो थर्ड गियर में किया कैंस प्रेस्टीज है वो कितनी टॉप स्पीड में जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं भीड़ वाला एरिया भी है, तो आप लोग ध्यान से चलाइएगा। थर्ड गियर में 87, 89, 90 के आसपास चल रही है। ये देखिए हमने 90 यहाँ पास 90 में होल्ड हो गया, 90 में होल्ड हो गया, 91 मतलब टच कर गई है, थर्ड गियर में 90 तक गई है। आप लोग बाहर भी देख सकते हैं, बाहर में मोबाइल नहीं कर रहा, कहीं हवा के उससे मोबाइल गिर ना जाए। अब हम इसको फोर्थ गियर में डालते हैं, ये देखिए हमने यहाँ पर फोर्थ गियर डाल दिया। अब हम देखेंगे फोर्थ गियर में इस गाड़ी की टॉप स्पीड कितनी जाती है। तो आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं अभी 60-70 इसमें शो कर रहा है। अब हम धीरे धीरे एक्सीलेटर बढ़ाते जाएंगे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि भीड़ वाला भी एरिया है। आप लोग कभी भी इस तरह के भीड़ वाले एरिया में इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट ना करिएगा, इस वीडियो को देखिए, जिससे कि आप लोगों को नॉलेज हो जाएगा कि जो किया का प्रेस्टीज है वो फर्स्ट गियर में कितनी जाती है, सेकंड गियर में कितनी जाती है, थर्ड गियर में कितना जाती है और फोर्थ गियर में कितनी जाती है, इसकी टॉप स्पीड क्या है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमने फोर्थ गियर में लिया, गाड़ी की स्पीड 106 शो कर रही, जो हमारी रोड है हाईवे रोड भरी हुई एकदम, लेकिन आप लोग ट्राई ना करिएगा, 109 जा चुकी है। अब धीरे धीरे हम इसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 112, 113, ये देखिए 16-17 यहाँ पर ऑन दबा देते हैं, ये देखिए यहाँ पर भीड़ वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा है। अभी स्पीड आप लोग देख सकते हैं 127, 128, 29, 30 फोर्थ गियर में डाले हुए। अभी आप लोग ध्यान रखिएगा फोर्थ गियर में
135, 136 एक्सीलेटर फुल दबा हुआ है, 140 यहाँ पास भीड़ वाला एरिया, 143, 145 अभी हम गाड़ी हल्का यहाँ पास मोड़ लेते हैं, ये भी हम एक्सीलेटर लेंगे। इंजन काफी तेज आवाज कर रहा है। तो दोस्तों आप लोग ये मान के चलिए कि जो फोर्थ गियर में गाड़ी है किया कैरिस प्रेस्टीज, जो फोर्थ गियर में गाड़ी है किया कैरिस प्रेस्टीज, वो फोर्थ गियर में हमारी जा रही है 140 से 141 के आसपास जा रही है, जैसे कि आप लोगों ने देखा है। अभी हम इससे ज्यादा स्पीड इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि इंजन काफी तेज आवाज कर रहा है। अभी हमने आपको कई बार फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर में इंजन यहाँ पर शीशे से बाहर भी मोबाइल ले जाके दिखाए हैं, लेकिन अब हम आपको इसलिए मोबाइल ले जाके बाहर नहीं दिखा रहे हैं। रीजन इसका ये है क्योंकि आप लोग देख रहे थे कि हवा काफी तेज चल रही थी, जिसके कारण से जब हम शीशे के बाहर ले जाके आप लोग इंजन की आवाज सुना रहे थे, जिसके कारण से जो हवा का भाई अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, तो मोबाइल गिरने के काफी ज्यादा मोबाइल में काफी तेज धक्का लग रहा था, इसलिए हमने मोबाइल को अभी यहाँ पर बंद कर दिया। आप लोगों को हमने फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर और फोर्थ गियर में दिखाया है। तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों की वीडियो कैसा लगा, और एंड आपको आगे फिफ्थ गियर और सिक्स गियर के भी टॉप स्पीड के विषय में जानना है। तो जब भी हम कहीं एक लंबे रूट में, जो इसमें जो अच्छा खासा हाईवे रोड होगा, जैसे दिल्ली का हो गया, नागपुर का हो गया, या फिर कटनी वाला हाईवे रोड भी एक अच्छा है, जब हम उस रूट में जाएंगे तो आपको किया कैरिस प्रेस्टीज पेट्रोल मॉडल जो हमारा है, ये हमारा बेस से सेकंड टॉप मॉडल है, तो हम इसकी आपको टॉप स्पीड दिखाएंगे कि मतलब ये फिफ्थ गियर में इसकी कितनी स्पीड जाती है, सिक्स गियर में इसकी टॉप स्पीड कितनी जाती है। तो दोस्तों आप लोग क्या लगता है, जो यहाँ पर ये 24 लिखा है तो क्या ये 240 हो सकता है? अभी आप लोगों ने देखा कि फोर्थ गियर में ये यहाँ पर टच की थी 145 टच की थी। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये मतलब फिफ्थ गियर या सिक्स गियर में हमारी किया कैरिस प्रेस्टीज पेट्रोल मॉडल ये 200 से ऊपर जा पाएगी, मतलब 240 वाली से टच कर पाएगी? और इस चीज को भी हम आपको जल्द से जल्द चेक करके दिखाएंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि जो हमारी किया कैरिस प्रेस्टीज पेट्रोल मॉडल है इसकी टॉप स्पीड कितनी है। एंड आप लोगों को आगे भी इसी प्रकार से कार से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा कि हम जैसे ही वीडियो डाले तो वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।